नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टेकचेव यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो का विषय रहेगा डाटा रिकवरी के बारे में कि कैसे हम अपने डिलीट या लॉस्ट इंपॉर्टेंट डेटा को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों से डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम अपने ज़रूरी पर्सनल, ऑफिस या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, हमारी सजोई पुराने यादों के फोटोग्राफ्स, स्पेशल मोमेंट्स के वीडियो आदि को अपने कंप्यूटर, USB ड्राइव, SD कार्ड, हार्ड ड्राइव आदि में स्टोर करके रखते हैं और कई बार किसी कारण की वजह से वो डेटा डिलीट हो जाता है, जैसे कि आपने अनजाने में उसको परमानेंट डिलीट कर दिया, या USB ड्राइव, SD कार्ड या हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई, या आपका कंप्यूटर रीसेट हो गया, या ब्लू स्क्रीन डेथ, रैंसमवेयर अटैक या वायरस के कारण विंडोज़ करप्ट हो गई जिससे कि आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, या आप यूट्यूबर, व्लॉगर, फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं और किसी गलती की वजह से आपकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो करप्ट हो गई जिसको कि दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे डेटा को रिकवर करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये काम बड़ी इजीली कर पाएंगे और अपने डेटा को रिकवर कर पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है रिकवरेट। ये सॉफ्टवेयर वंडरशेयर की तरफ से है और इसमें कई एडवांस फीचर मिलते हैं, जैसे कि ये 1000 से भी ज़्यादा फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और ये अलग अलग फाइल सिस्टम पर काम कर सकता है, जैसे कि NTFS, FAT, HFS Plus, APFS आदि, और ये 2000 से भी ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस को भी सपोर्ट कर सकता है, चाहे वो आपकी USB ड्राइव हो, फ्लैश ड्राइव हो, SSD हो, हार्ड डिस्क हो, ये करीब करीब सभी स्टोरेज डिवाइस को सपोर्ट करता है। और 500 से भी ज़्यादा सिनेरियोज हैं जिसके कारण आपका डेटा डिलीट हो गया है, उनको ये रिकवर कर सकता है और उसकी रिकवरी रेट भी काफ़ी हाई है यदि आपका डेटा ओवरराइट नहीं हुआ हो तो। इसके अलावा आपको इसके अंदर एडवांस वीडियो रिकवरी भी मिल जाती है, ये आपके लॉस्ट हुए वीडियोस को डीपली स्कैन कर सकता है। इसके साथ साथ ये अल्ट्रा SD, 4K, 8K वीडियोस को भी रिकवर कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर अलग अलग ब्रांड के कैमराज के मल्टीपल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और किसी कारण से यदि आपका वीडियो करप्ट हो गया है तो इसकी मदद से आप वीडियो को रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ये कैसे रिकवर कर सकता है। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर ओपन कर लिया है। अभी मैं आपको डेमो दिखाने के लिए अपने SD कार्ड को अपने सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ, जिसमें कि मेरे कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ हैं। ये देखिए, यहाँ पर कार्ड कनेक्ट हो चुका है, तो इसके अंदर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं। अभी मान लीजिए ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसी कारण से डिलीट हो जाते हैं तो हम इनको कैसे रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ परमानेंटली डिलीट कर दिए हैं, ये भी रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर रिसाइकल बिन को भी खाली कर देता हूँ। या मान लीजिए किसी कारणवश आपका कार्ड ही फॉर्मेट हो गया है, जैसे कि मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। मैंने पूरा कार्ड फॉर्मेट कर दिया है, अभी ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी इस SD कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी हम इसमें से अपने ज़रूरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना SD कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये पूरे कार्ड को स्कैन करेगा और यहाँ पर इसको जो भी फाइल्स मिलेंगी वो यहाँ पर आती जाएंगी। तो स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपके स्टोरेज की क्षमता कितनी है, यानी कि आपका ड्राइव का साइज़ कितना है, उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है, इसने करीब 2000 फाइल्स फाइंड कर ली हैं जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज लग चुकी हैं। इन सब की अलग अलग कैटेगरीज बन चुकी हैं, तो आपको जैसे भी फाइल रिकवर करनी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरह के डॉक्यूमेंट रिकवर करने हैं। तो यहाँ से मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये फिल्टर भी सेट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसने मेरे फोटोग्राफ्स रिकवर किए हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं गया JPG वाले सेक्शन में, मैं यहाँ पर इसका व्यू चेंज कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ्स आ चुके हैं जो कि अभी मैंने डिलीट किए थे और कार्ड को भी फॉर्मेट कर दिया था, उसके बाद भी यहाँ पर ये फ़ोटोज़ आ चुके हैं। हम वीडियो को भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वीडियो आया है या नहीं, और ये देखिए यहाँ पर वीडियो भी रिकवर हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं स्कैनिंग को स्टॉप कर देता हूँ और जो भी मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रिकवर हुए हैं उनको यहाँ पर मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए रिकवर पर। फिर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि अपन रिकवर किए हुए डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर ये सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उस लोकेशन पर सेव हो जाएंगे। और ये देखिए, ये सारे आइटम रिकवर हो चुके हैं, मेरे सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वापस आ चुके हैं। तो देखा आपने कि कैसे यदि डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है तो आप इसको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई एडवांस फीचर मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सिस्टम क्रैश हो गया है, कंप्यूटर आपका बूट नहीं हो पा रहा, ब्लू स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन डेथ की वजह से आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसकी मदद से एक बूटेबल ड्राइव बना सकते हैं।
फिर आप ड्राइव से बूट कराकर अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है जो कि आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर एडवांस वीडियो रिकवरी का भी फीचर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अलग अलग कैमरा डिवाइस की वीडियोज़ को रिकवर कर पाएंगे। ये अल्ट्रा एच डी, 4K, 8K वीडियोज़ को रिकवर कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फीचर दे रखा है जो कि यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स के काफ़ी काम आ सकता है। इसके अलावा यदि आपका यहाँ पर वीडियो किसी कारण से करप्ट हो गया है तो आप उसको भी यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि रिकॉर्डिंग के दौरान आपका कैमरा क्रैश हो गया, वाटर डैमेज हो गया, या रिकॉर्डिंग के दौरान आपका कैमरा अचानक से बंद हो गया या बैटरी ख़त्म हो गई, जिसके कारण से आपका वीडियो करप्ट हो गया है और वो प्ले नहीं हो पा रहा, तो आप ऐसे वीडियोज़ को इसकी मदद से रिपेयर कर सकते हैं। ये टूल कैनन, निकॉन, सोनी, गोप्रो आदि कैमराज की वीडियोस को सपोर्ट करता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर दे रखा है जो कि आपको बहुत ही कम टूल्स के अंदर मिलता है। तो ये टूल आपके डाटा रिकवरी में काफ़ी हेल्प कर पाएगा। यदि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।